महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़ी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो व्यवधान पैदा करेगा उसके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा। मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस भी दर्ज हो गया है, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन राज ठाकरे अपना फैसला बदलने को राजी नहीं है, उल्टा उन्होंने उद्धव सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मेरा कहना है कि सभी गैर कानूनी लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें हटाए जाने तक हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। हम राज्य में शांति चाहते हैं। पुलिस उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है? पुलिस केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राज ठाकरे ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने भी अब ठाकरे पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी आज राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा हुई। बैठक में इस विवाद पर सरकार के स्टैंड का समर्थन किया गया और गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अजान के समय व्यवधान डालने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार ना करें। पुलिस ने भी राज ठाकरे के आवास पर घेराव कर लिया है। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है।